अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल के लिए प्लेलिस्ट को कैसे बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर आप अपने चैनल के लिए वीडियो वगैरह कैसे उसके प्लेलिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, मैंने वाइट स्टूडियो ओपन कर लिया है, सॉरी यूट्यूब को गूगल क्रोम के अंदर ओपन कर लिया और यहाँ पर कस्टमाइज चैनल के ऊपर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने वीडियोस के ऊपर क्लिक करना है जो कि दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर डैशबोर्ड है, दूसरे नंबर के ऊपर वीडियो है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये तमाम के तमाम आपके चैनल की अपलोडेड वीडियो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इन वीडियो को एक प्ले लिस्ट के अंदर डालना चाहता हूँ, तो इन वीडियो के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जितनी ही वीडियो, अगर आप 30 के 30 डालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये 30 के 30 एकदम खुद सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये 5-6 आपको बता देता हूँ कि इसको आप एक नई प्लेलिस्ट के अंदर कैसे लगा सकते हो। ये वीडियो आपने सेलेक्ट कर लेनी, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एडिट सॉरी यहाँ पर ऐड टू प्लेलिस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको नज़र आएगा न्यू प्लेलिस्ट। अगर आप किसी ओल्ड के ऊपर क्लिक करने भेजना चाहते हैं उसके अंदर, तो यहाँ अपने प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जिस प्लेलिस्ट के अंदर डालना चाहते हैं और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी वीडियो आपके उस प्लेलिस्ट के अंदर चली जाएंगी और यहाँ पे भी रहेंगी। ये नहीं कि सिर्फ प्लेलिस्ट के अंदर ही शो होंगी, बाहर भी रहेंगी। और अगर आप नई प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं तो न्यू प्लेलिस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, न्यू प्लेलिस्ट के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पर आपने लिखना है जी न्यू प्लेलिस्ट। ठीक है, ये न्यू प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर प्लेलिस्ट का टाइटल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ ग्रीन। तो जैसे ये आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ग्रीन स्क्रीन मोबाइल फ्रेम, क्योंकि मेरे इसी कैटेगरी के ऊपर वीडियो है तो प्लेलिस्ट में इसी कैटेगरी के ऊपर बनाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, ताकि जो भी प्लेलिस्ट के बारे कोई सर्च करेगा तो आपकी प्लेलिस्ट सबसे पहले जाएगी। तो यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह के अंदर अभी आप यही कॉपी करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने इसको कॉपी लिया और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे मैं मोबाइल फ्रेम वगैरह लिख देता हूँ, मोबाइल फ्रेम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के उसके बाद यहाँ पर पब्लिक इसको लाजमी करना है, क्योंकि आपकी सारी वीडियो पब्लिक हैं तो आपकी प्लेलिस्ट को आपने अनलिस्टेड या प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी प्लेलिस्ट बन जाएगी। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा था, बनाने की ज़रूरत नहीं मेरी, क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।